guys, it's time for Boosting Happiness. नजारे देखे जा रहे हैं यार, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। हम अभी हैं सॉमरसेट कोल कैनाल में और यहाँ से ट्रेन्स जा रही हैं। मैंने कभी भी ट्रेन्स जाते हुए इतना ब्यूटीफुल नहीं देखा है जितना ये लग रहा है जब यहाँ से ट्रेन्स जा रही हैं। बहुत सुंदर है यहाँ पे। पता है बेस्ट चीज क्या है? ट्रेन्स जा रही है, इतनी सारी ट्रीज है, स्काई इतनी ब्लू है, स्वॉन्स जा रही हैं, डग्स जा रही हैं, वहाँ पे गोट्स है, शीप है, इतना कुछ हो रहा, साइकिलिस्ट साइकिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ चिल्ड्रन। हाँ, लाइक क्या क्या हो रहा है एक साथ। बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी नाइस, इट्स अ नाइस कामिंग प्लेस। यस, यहाँ तो कोई बस जाए है ना, लोग बसों में बोट्स में रह रहे हैं फॉरएवर। सीरियसली, आई कैन सी व्हाई। यहाँ पे क्या मिलता है? फिश मिलेगी यार यहाँ तो। फिर क्या करेंगे अब? भाई फिश मिलेगी तो क्या करेंगे? फिश थोड़ी खा रहे, वो कैफे है बे। अच्छा, हाँ, और इसका नाम है तो एंजल फिश है। तो यार एंजल तो हमारे पास है एक, फिश का क्या करें? जब मैं फिश खाऊंगी तो मैं तेरी एंजल फिश बन जाऊंगी। मैं भूखा होऊंगा क्योंकि तू कहेगी एंजल मैं हूँ, फिश मेरे पास है, हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा हेवनली वॉक है। कितना दूर है यार? 5 मिनट्स की वॉक हो रही है यार। क्यों वॉक बहुत है, मैं थक रही हूँ। अरे कहीं थक रहे आ जाएंगे। जैसे ग्रीन 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 ग्रीन। अब ओनली 3 मिनट्स अवे। देखो ना, ये स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म, मल्टी अवार्ड विनिंग, ग्रेट टेस्ट, मार्शफील्ड फार्म। हमने इनकी फ्री में प्रमोशन कर दी। फ्री आइसक्रीम तो दे सकते हैं, प्लीज एक आइसक्रीम दे दो। यार एक बात सुन, तू तो सिर्फ कॉफी लेके आई है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? तेरा भी आ रहा है। सो फिर आइसक्रीम के ऑर्डर का क्या कह रहा है वो? मैंने उसे बोला कि आई विल ऑर्डर आइसक्रीम लेटर, अदरवाइज इट विल मेल्ट। फिर सो हमारा लंच हो रहा है आज का। क्या लाया हम? हम लाए हैं वीगन पेस्टीज और मैं लाई हूँ कॉफी और थोड़ी देर बाद मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी। एक बहुत क्रेजी चीज बता, मैंने ऑर्डर किया है वीगन पेस्टीज और साथ में होल मिल्क वाली कॉफी क्योंकि ये रियल डेयरी है, तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए ना रियल डेयरी। यहाँ पे काउस का बहुत प्यार से रखा है। हाँ, उसमें लिखा है सोर्स्ड इन द मोस्ट एथिकल वे। And best thing बताऊँ क्या, जब इतने अच्छे नजारे में खाओ ना, हाँ, तो खाना तुम्हें हार्म नहीं करता। और एक बात बताऊँ, हाँ? तो सबको ये तो बता कि ये पेस्ट्रीज नहीं है, ये पेस्टीज हैं। हाँ, ये पेस्ट्रीज हैं, लोग पेस्टी बोलते हैं। हाँ, पेस्टी भी नहीं, पहले हम सब पेस्टी बोलते थे, पेस्टी है। टेस्ट कैसा है? एक बात बताओ, दे से देयर टू काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, एक जो होते हैं वनीला पीपल और एक होते हैं स्ट्रॉबेरी पीपल। मैं ऑल पीपल हूँ, मैं सब खाता हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ प्लांट बेस्ड वनीला थी तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, मैंने कभी खाई नहीं है। बहुत बोरिंग लोगों के लिए बोलते हैं। हाँ, मैं वो नहीं हूँ ना। ठीक है,
मैं तो माइंड ब्लोन है। मैं एक वाली का नाम है चॉकलेट हेवन। वैसे मैंने देखा है यूके में जो वनीला है ना वो पूरा फ्लेवर ही बहुत डिफरेंट है। इंडिया का वनीला जैसा है ही नहीं। लाइक वनीला एज अ फ्लेवर जो हम इंडिया में वनीला कहते हैं, यूके का वनीला बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो हम गलत वनीला खा रहे हैं ये गलत वनीला खा रहे हैं, बट वनीला बहुत डिफरेंट है। हमने सब खा लिया, आइसक्रीम खा ली, इसमें बारिश हो गई थी, हम थोड़ी देर बैठ गए एंड अब हम वापस जा रहे हैं। इसको मैं बोलता जैकेट पहन ले, कहती नहीं 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 यार मुझे क्या पता था बारिश हो जाएगी। हाँ, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी बोट में। मैं चलाऊंगा बोट एज पॉपाई द सेलर मैन और सेलिंग करेंगे एंड ऑलिव नीचे जाके बोट के अंदर हीटिंग ऑन करके बैठेगी एंड थोड़ा समेटा समाटी करेगी। चलो लेट्स गो। तो मैं आ गई हूँ बोट के अंदर एंड आ गया हूँ बोट के अंदर। अभिनव भी आ गया है बोट के अंदर। हम बोट खोलेंगे, मैडम अंदर जाएंगी, मैं बोटिंग करूंगा मस्त और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे सेल ऑन। मिस्टर पापा वो स्वान आ गई, हमारी स्वान फ्रेंड। हाय स्वान, कैसे हो आप? फिर से आ गए खाना खाने? जरूर हम आगे बढ़ रहे। कोई संदेश है आपके आगे के साथियों के लिए? हम ले जाएंगे। कितना ग्रीन है ना सब कुछ। सो मैं अभी बैठी हूँ अपनी बोट के ऊपर। आई डोंट नो कितना पता चल रहा है बट ये रही बोट का टॉप और ये रही मैं। अभी सब खत्म हो गया आई थिंक। कार्ड्स एक्सेप्टेड, रिंग द बेल, सैनिटाइज़ योर हैंड्स। रिंग द बेल, सैनिटाइज़ योर हैंड्स। कल आई फ्रेश खाने सुबह सुबह उठ के। कुछ लोगों ने अपने बोट में ना ऐसे गार्डन बनाया हुआ है, चेयर्स टेबल प्लांट्स रखे इन्होंने ना। एक्चुअली इधर आ देख, यहाँ पे हैंगिंग बास्केट लगाई है। अरे वाह, आगे बहुत सारे इन्होंने ना यहाँ पे भी लगाए हुए ऐसे हैंगिंग प्लांट्स वगैरह। इन्होंने बोट में लगा लिया और हमसे घर पे नहीं संभलते। आई नो, मैं यही कहने वाली थी। कितना क्रेजी है ये लोकेशन। यस, एंड ये एक और एक्वेडक्ट है। हम अपनी बोट यहाँ से लाए थे अंदर और हमारे नीचे से एक रिवर जा रही है। दीज आर कॉल्ड एक्वेडक्ट्स।
बारिश होने वाली है बेटे, मौज कर दी। पता है कुछ खाना नहीं था। सही है, जो चाहिए था वो तो है। हाँ, वो कहते हैं कि किचन अभी मंडे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मंडे को यूके में कंप्लीट लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसकी प्रेप चल रही थी। सही है। अभी ना आई थिंक बारिश होने वाली है। ऊपर देख कितने डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं। I think it's time to go. खाना मिला नहीं। एक वो दूसरा ना नंबर 10 टी गार्डन्स। हाँ, इसमें ट्राई कर। ओके, कॉल करूँ उन्हें। ओह कितनी क्यूटी डॉगी है। So cute यार। स्क्रफी डॉगी है, वो स्क्रफी डॉगी। चिप्स खाने का मन कर रहा है। मेरा भी। हाँ। चिप्स इतना इसके साथ। I know, बियर के साथ और भी टेस्टी लगते हैं। Yeah. सब लोग माशाल्लाह बोलिए। खाना खाने का जाने? यहाँ तो खाना मिला नहीं। तो कहाँ जाना? We have to go somewhere else. चल फिर। I need to go to the toilet. जल्दी 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 जा। ये पकड़ेगा? हाँ हाँ, मैं ही पकड़ूँगा, और कौन पकड़ेगा? So, मैंने अनुभव से जब वहाँ ड्रिंक्स भी कर रहे थे 10 times पूछा कि तू जगह तो बहुत अच्छी बता रही है पर कितनी दूर है ये तो बता दे। अरे इतना पास लग रहा था, इतना पास लग रहा था। मैं तब से कहता हूँ वॉकिंग डायरेक्शंस चेक कर और पता चला 40 मिनट्स की वॉक है। Obviously, 40 मिनट्स तो वॉक नहीं कर सकते। क्यों करते हैं, आ जाओ करें। हाँ, फिर वहाँ पहुँच के 45 मिनट्स में बंद हो रहा होगा। वो ही प्रॉब्लम है कि ऐसा भी नहीं तो ऑर्डर तो कर सकते हैं अपना, ऑर्डर करके खाएंगे देन फिर चल के वापस आना होगा। उतना ही 1-1.5 hour की वॉक है, फिर कर तो सकते हैं। वो है ना हमारे बोट में कुछ ना कुछ तो पड़ा है खाने के लिए, चलाए चलते हैं, इतना सोचते नहीं। आ जा चले, बहुत दूर है यार। चल चल चल, लेट्स डू दिस। हाँ हाँ, ऐसे निकल जाएगा। चलते 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 कट जाए रास्ते। रास्ते में बारिश आ गई तो? अरे अब कोई बारिश नहीं आ रही, चल। आ गई तो आ गई, बैठ जाएंगे वहीं पे थोड़ी देर। चलें फिर, वो क्रेजी सीन्स। चलें, लेट्स गो। सो गाइस, हमने अपनी बोट पीछे छोड़ दिया, अब हम जहाँ बोट चलानी थी वहाँ भी वॉक करके जा रहे हैं, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 एंड 8 PM सब बोटिंग बंद करनी पड़ती है एंड बीवी खतरों की खिलाड़ी बन रही है एकदम वहाँ। वो अंदर आ। अरे मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, अब ठीक है, चल अब ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है I'll slip and fall। हाँ, तो यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, तो वो सबको देखते हुए, इस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके आगे बैठकर A1 जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। माइंड यू 40 मिनट्स की वॉक है। हाँ, तो हम वॉक कर रहे हैं, रेकी भी हो जाएगी, तो कल हमारा यहाँ पे कॉल है। तू क्या रेकी करने की बातें कर रहा है तब से? अरे यू डोंट नो व्हाट रेकी इज। आई नो व्हाट रेकी इज बट आई डोंट नो तुझे वहाँ कौन सी रेकी करनी है। तूने कौन सा वहाँ पे घर लेना है जो घर नहीं लेना है? मुझे ये देखना है कि वहाँ पे अगर हम पहुँच गए, बिकॉज इट्स अ पॉपुलर टाउन, वहाँ पे बोट को ऐसे जो लगाया हुआ है, ऐसे मोरअप किया हुआ है, वहाँ कर पाएंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, बट कोर्स कर पाएंगे जब पूरी दुनिया वहाँ जाना चाह रही है, लगता है स्पॉट मिल जाएगा। वही मैं कहने वाली थी कि कर तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पॉट मिलना इज रियली डिफिकल्ट। तो कैसे कर लेंगे? That's the point. तू ना बंद हो गई है। इसको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। नहीं पागल, what I'm saying is कि maybe हमें कोई बहुत अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी मोरिंग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हाँ, but the point is कि आज शाम को तो नहीं कर पाएंगे। अगर आज शाम को करना चाहें तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे लेट हो जाएंगे। हाँ, मोरिंग करने में टाइम लगेगा उसको, जब तक आधा घंटा निकलेंगे बाहर तब सारे खाने की जगह बंद हो जाएंगी। सो वी थॉट कि लेट्स जस्ट वॉक, क्योंकि इन डक्स को ही देख लो, ये भी वॉक कर रही है बढ़िया एकदम। हम भी वॉक कर लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि हम हाँ बोल। वैसे जरूरी नहीं है कि हम 8 o'clock के बाद यहाँ पे बोट नहीं चला सकते। उसने कहा था चला सकते हो, जस्ट कॉमन सेंस रखना। हाँ, बट यहाँ भी इतनी सारी बोट्स लगी हुई ना, बेचारे सो रहे होंगे, हम तो ना ऐसे घर घर करके जाएंगे। अब वीकेंड पे 8 o'clock जो सोएगा फिर मैं क्या? उसने बोला था कि आप तब कर सकते हो 8 o'clock के बाद, जस्ट व्हेन यू नो कि आसपास कोई नहीं है। सैटरडे नाइट कैसे सोएगा? अरे ये सारे जो ये बोटर्स है ना, ये बड़े लेट बैक लाइफ स्टाइल वाले हैं, सो जाते हैं जल्दी सबसे क्लीन बोट अभी तक की। कितनी क्लीन है ना? क्लीन है, न्यू होगी, न्यू, नाइसली रिस्टोर्ड, पेंटेड, अच्छी पेंट करी, यू नो व्हाट, वेल मेंटेन्ड, यू नो व्हाट। ऐसे इन बोट्स को डार्क कलर्स करो ना, जैसे ब्लैक, तो वो हमेशा रिलेटिवली न्यूअर लगेगी। अच्छा देखना यार, काम कर, कल तू मुझ पर भी पेंट मार दे, मैं कभी पुराना नहीं हूँगा। तू ना गंदे
जोक्स मारते हैं यार। दीज आर कॉल्ड, एक बात बता, क्या ये तूने आइडिया निकाला है? कितनी दूर है, मैं थक गई हूँ चलते चलते। सही आइडिया है, बस 11 मिनट और, फिर वहाँ इतने खाने के ऑप्शंस है ना। कम ऑन कम ऑन, यू नो आई एम मोर वरीड अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन। ये जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे, तब एनर्जी होगी ना, खा के आएंगे, खा के ना सोने का मन करता है। अरे यही सो जाएंगे, जवान आगे बढ़। अब तूने देख बोला ना सुन, और खड़ी होगी ना वहाँ पे, चलती रहे बस, चलती रहे। और मेरी जैकेट का हुड भी नहीं है, मुझे ठंड लग रही है, बारिश भी हो रही है। ये जैकेट खरीदने के टाइम सोचना चाहिए था, ये खुद खरीदी थी तूने, है ना? हाँ हाँ, मैं नहीं था साथ में, मैं होता तो याद दिलाया था यार, हुड वाली तो ले ले यार, इसमें हुड नहीं है। चलो, मैडम ने सिर्फ कलर देखा, शी चूजेस फॉर्म ओवर फंक्शन। चुप, देख मुझे क्या मिला। रात में देख कैसा हो जाएगा, क्या पता तुमने अभी जिससे बात करी थी वही भूत। सब बारिश भी शुरू हो गई, मेरे पास हुड है, अनुभव के पास नहीं है, तेज हो रही है बारिश यार, तेज हो रही है, जल्दी चल, चल चल भागी, यहाँ पे फंस गए, वहाँ जाना है, इतनी पास है, हमें पता नहीं वहाँ टेबल है कि नहीं, मेरे पास हुड नहीं है, और इतनी तेज बारिश हो रही है, ये देखो। ओह माय गॉड, थोड़ी देर हम सोच रहे हैं कि हम जाएं या वेट करें, क्या करें, जाएं क्या इनसे पूछें? I don't even know, व्लॉग में दिख रहा है कितनी बारिश है, बाहर दिखा, वो पार्ट दिखा, देन दिखेगा वहाँ, दिखा। अरे हाँ दिख रहा है, इतनी तेज तेज आ रही है, देखो। ओह नो, मैं भीग गया यहाँ से, मैं तो पूरा भीग गई बेचारी। बाहर का टेम्परेचर है 7 degrees, इतनी तेज बारिश है, तेज है, ठंड अलग लग रही है, और हमारी बोट यहाँ से हाफ एन आवर वॉक, हमारी बोट हाफ एन आवर दूर है। अभिनव के प्लान्स आर ऑन पॉइंट, ये दिखाओ तो पता चलेगा क्या बारिश आ। यार ये तो बड़ा टू मच ही हो गया, पर रुक गई, वो रुक गई, हमारे सब्सक्राइबर्स ने, ये हमारे सब्सक्राइबर्स की वो है, देख आवाज कम हुई, ये हमारे सब्सक्राइबर्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स अभी लाइव नहीं है जो वो ब्लेसिंग्स देंगे। अरे वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। चलो अब चल चल चल, याद रहेगा तू कहाँ रुकवाया था। अच्छा वाह, रेनबो आ गया, सही जगह आए हो, अरे यही साइन है, सेकंड टाइम चली गया, मैं अभी तक नहीं गया, यहाँ पे आ गए हैं। It's a place, the tavern, and यहाँ खाना खाएंगे। Hopefully there are vegan options as well, तो मेरे लिए चलेगा, and vegetarian as well, for Anubha। जल्दी आ जाए क्योंकि मुझे toilet जाना है। हम फाइनली पहुंच गए हैं और हमने इसी ठंड में ऑर्डर कर लिया और ठंडी बियर, सो मैं वेट कर रही हूँ अपने लोडेड फ्राइज का। बट सबसे क्रेजी बात है, पूरे मेनू में बीफ बीफ बीफ, और फिर उसने इसने पूछा और इसे वीगन उसने मिल गया ना ऑप्शन। ये है मेरे लोडेड फ्राइज, और ये है मेरा वीगन बर्गर, और ये है मेरा वीगन बर्गर। चल लेट्स डिग इन देन, खा ले। चल चल चल, since I'm on.